देखिए, जन्माष्टमी के साथ एक तरह से त्योहारों की झड़ी सी लग गई है और हर त्योहार पर कुछ नया पहनने को मन करता है। तो ये खूबसूरत आपको शरारे भी मिल जाएंगे, आप चाहें तो दशहरे तो बीत गया अभी, लेकिन दिवाली, भैया दूज, आप चाहें तो इन त्योहार पर इनको जरूर पहने। या फिर आपको वाकई में अगर काम अपना बहुत दिखाना है कि मेरा सूट क्या लश्कारे मारता है, तो एक बढ़िया से फुलकारी का दुपट्टा हो उसके ऊपर, तो भाई क्या कहने। हमारी बातें तो चलती रहेंगी क्योंकि यहाँ पर इतनी वैरायटी है कि मुझे चूज करने में दिक्कत हो रही है। तब तक देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत बवाल हो रहा है। चौथ का व्रत एक ऐसा त्योहार होता है जिसका इंतजार हर सुहागन करती है। जाहिर सी बात है, अबीरा भी इस करवा चौथ का इंतजार कर रही थी। अब वो अरमान के लिए करवा चौथ का व्रत रखना तो चाहती थी, लेकिन जैसा कि आप और हम जानते हैं कि अबीरा प्रेग्नेंट है, घर में और कोई नहीं जानता है, तो डॉक्टर ने अबीरा को मना किया था कि 3 महीने तक तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए उसने किसी को नहीं बताया कि उसने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है। घर की बाकी लेडीज की तरह वो सज धज कर 16 श्रृंगार कर छत पर आई जब पूजा करने के लिए, तब एक वीडियो चला और उस वीडियो में अबीरा कुछ खाते हुए दिखी। फिर क्या, अरमान को लग गया धक्का के हाय, मैंने अपनी अबीरा के लिए व्रत रखा लेकिन उसने तो चीटिंग कर ली। अरमान सच बोलना, आपको ऐसा ही लगाना? जब करवा चौथ में व्रत रखना हो और बीवी का फुटेज दिखाया जाए प्रोजेक्टर पे खाना खाते हुए, जब उसने बोला है कि वो व्रत रखे हुए, तो कैसा लगेगा किसी भी इंसान? मनाना तो छोड़ो, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो मेरी बात सुन ले और मैं उसे बता दूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और डॉक्टर ने कहा था, एडवाइस किया था कि बच्चे के लिए करना पड़ेगा, वरना 3 महीने में ही बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो थोड़ा एक नेसेसरी हो गया था, बट वो मेरी बात सुनता ही नहीं है क्योंकि उसका गुस्से का लेवल उतना होता है, उसे लगता है कि अब अबीरा भरोसा नहीं करती। अब देखिए यहाँ पर ना हम अरमान से कुछ कहेंगे ना परिवार वालों से, लेकिन हाँ अबीरा से जरूर कहेंगे कि ये जो बहुओं को छुपाने की बीमारी होती है ना, वो बहुत ही बुरी होती है। इस छुपाने के चक्कर में ही बहुएं बुरी बन जाती है, रिश्ता टूट जाता है, पति से भी बिछड़ जाती है और न जाने क्या क्या हो जाता है, लेकिन फिर भी वो छुपाएंगी जरूर अपने पति से वो बात जो सबसे जरूरी होती है। तो यहाँ पर अबीरा ने भी वही किया। वो करती है, उतना ही भरोसा करती है, बस वो बता नहीं पा रही है क्योंकि उसको पता है कि वो उसका रिएक्शन यही होगा कि तुम अबॉर्शन कर लो, तुम बच्चा रहने दो, क्योंकि अबीरा के ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। वेरेज अबीरा को लग रहा है कि मुझे एक मौका मिला है, एक अरमान को एक खुद की फैमिली देने का मौका, जो उसको हमेशा सौतेला सौतेला बोला जाता। अरमान को भी बार बार यही लगता है कि अबीरा कुछ तो छुपा रही है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरमान को गुस्सा इस बात पर है कि अरमान पिछले कुछ दिनों से अबीरा से को देख रहा है कि शी इज नॉट हियर, कुछ ना कुछ तो छुपा रही है वो, और अबीरा बोल रही है कुछ नहीं छुपा रही है, यू नो बातें बना रही है, और अरमान को पता लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है, ही नोज कि वो झूठ बोल रही है। और फिर जब ये झूठ भी आता है, देन उस अरमान को लगता है कि ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से अबीरा को उससे झूठ बोलना पड़ रहा है,
वो भरोसा क्यों नहीं कर रही है। एक करवा चौथ की पूजा के समय ड्रामा हुआ, अबीरा की आंख में आंसू आ गए। इस सासू माँ ने सारा खेल खराब कर दिया, फिर बची कुची कसर रूही ने पूरी कर दी। परिवार को छोड़ा, फोन तक को छोड़ा, सब को छोड़ दिया, और ये लड़की कुछ खाना नहीं छोड़ पाई। आज तक अबीरा अक्षरा मासी की तरह भोलेपन का नाटक करके हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। आज उसकी पोल खुली है तो उसे रोने का, ये उसी के कर्म का। अरमान और अबीरा ने पूजा तो की, लेकिन जरा अरमान को देखिए, उसका गुस्सा तो सच में आज सातवें आसमान पे है। वो तो निभा नहीं थी क्योंकि अरमान ने तो व्रत रखा है, इस वजह से वो रिचुअल सारे निभाता है। बट जैसे ही अबीरा को खाना खिलाता है, खाने के बाद डिज़र्ट खिलाता है, खाना तो पूरे दिन का है उसने कुल मिलाकर ये कहा जाए कि राइटर ने जो सोचकर एक करवा चौथ के सीन में ड्रामा बिल्डअप किया था ना, उसमें वो एकदम से कामयाब हो गए। अब पते की बात ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी अबीरा नहीं कहेगी कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि अभी कुछ और एपिसोड्स इंतजार करना होगा, या फिर अरमान और अबीरा के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाएगी कि आगे क्या पता ये दोनों साथ रहे या जुदा हो जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।